पंजाबी सिंगर शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पंजाब के सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सरकार की सिक्योरिटी कटौती का फैसला कत्ल की बड़ी वजह है। 28 मई को जैसे ही मूसेवाला की सिक्योरिटी घटाने का पता चला तो कनाडा बैठे लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर गोल्डी बरार ने शार्प शूटर प्रियव्रत फौजी को फोन किया। गोल्डी ने कहा कि मूसेवाला की सिक्योरिटी कम हो गई है, अब यह काम यानी मूसेवाला की हत्या कल ही करनी है। लॉरेंस के कहने पर गोल्डी ब्रार ने मूसेवाला हत्याकांड की पूरी साजिश को अंजाम दिया। मूसेवाला का अगले ही दिन यानी 29 मई को घर से निकलने के बाद हत्या कर दी गई। दिल्ली पुलिस के प्रियव्रत फौजी के मोबाइल से कॉल रिकॉर्डर रिकवर करने के बाद यह खुलासा हुआ है। मूसेवाला को मारने के लिए शार्प शूटर्स पहले ही मानसा पहुंच चुके थे। वे मौके का इंतजार कर रहे थे, जो उन्हें मूसेवाला की सिक्योरिटी कम होने और फिर इसकी खबर बाहर आने से मिल गया। जैसे ही इसका पता चला तो गोल्डी ने सभी मददगारों और शार्प शूटर्स को अलर्ट कर दिया। मूसेवाला के घर पर पल पल नजर रखी जाने लगी। पुलिस जांच में पता चला कि 29 मई को मूसेवाला घर से बाहर नहीं निकले थे। हालांकि जब भी कोई फैन उनके घर फोटो खिंचवाने के लिए आता था तो मूसेवाला उनसे जरूर मिलते थे। इसी वजह से संदीप केकड़ा साथी बलदेव निक्कू के साथ फैन बनकर पहुंचा। उस वक्त तक मूसेवाला को घर में घुसकर मारने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। हालांकि मूसेवाला अचानक थार जीप से बिना गनमैन दो दोस्तों के साथ बाहर निकले तो शार्प शूटर्स को मौका मिल गया। गोल्डी ने तुरंत शार्प शूटर्स को कॉल कर कहा कि मूसेवाला घर से निकल चुका है, जिसके बाद ज्वारके में घेर कर मूसेवाला का कत्ल कर दिया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।